अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती। चाहे मैं मुझे उन खिलाड़ियों के पैर पकड़ने पड़ते, लेकिन मैं कभी नहीं करूँ। जो खिलाड़ियों ने जो भरोसा करके मुझे मेरा जो कमेटी में नाम दिया था, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न अन्याय होने दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि अन्याय होने भी नहीं दूंगी। चाहे खिलाड़ी आप भरोसा करिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी पे करिए, न्यायालय पे करिए, पुलिस पे करिए, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा और भरोसे के ऊपर ही पूरी दुनिया का है। कुछ दिनों के बाद ये बात हुई कि बबीता फोगाट जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर है। कुछ पहलवानों का तो ये भी कहना था कि अगर वो बतौर पहलवान आएंगे तो उनका स्वागत है। आप इसको कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ हैं बबीता, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही बबीता आपसे जानना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर अभी तक हमने देखा कि किस तरफ ये पहलवान गए हैं और आगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस दिशा में आपको ये जो है प्रोटेस्ट जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं उसके ऊपर भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखी हुई है और हर चीज को बहुत बारीकी से वो देख भी रही है और संभाल भी रही है। अच्छा बबीता जी, जनवरी में आप वहां पर आई थी, मंच पर भी थी और मैसेज भी आप लेकर आई थी, आपने कोशिश की थी कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो खत्म हो जाए, कमिटीज भी फॉर्म कर दी गई थी। पहले ऐसा सुनने में आया था कि साक्षी मलिक को कमेटी में डाला जा रहा था, लेकिन शायद उन्होंने मना कर दिया, फिर उसके बाद पहलवानों ने ही शायद आपका नाम लिया। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वजह थी कि आपका नाम आया? बिल्कुल, देखिए इसमें यही मैं कहना चाहूंगी कि सब खिलाड़ियों ने मिलकर फैसला लिया था और साक्षी का नाम क्या नाम है कमेटी के अंदर देने का उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन साक्षी ने खुद क्योंकि आगे आके ये कहा कि ये चीज मैं नहीं संभाल पाऊंगी और ये जो फैसला है आप लोग अगर सहमत हो तो मैं चाहूंगी कि बबीता को आप कमेटी का सदस्य बनाया जाए। और सभी खिलाड़ियों ने यस भी किया और सब खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया कि बबीता का नाम देना चाहिए, और सिर्फ मेरा नहीं, और भी दो तीन लोगों का दिया था उन्होंने और विश्वास करके उन्होंने दिया था। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों ने जो भरोसा करके मुझे मेरा जो कमेटी में नाम दिया था, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न अन्याय होने दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि अन्याय होने भी नहीं दूंगी। और वो विश्वास रखे सभी खिलाड़ी, लेकिन किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। चाहे एज ए खिलाड़ी आप भरोसा करिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी पे करिए, न्यायालय पे करिए, पुलिस पे करिए, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा और भरोसे के ऊपर ही पूरी दुनिया कायम है, इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जो भी आप देखेंगे कि जो भी आगे कुछ फैसला आएगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा और किसी से कोई भी चीज छुपी नहीं होगी। और अगर इस बार की बात की जाए, जब 23 अप्रैल को वापस आ गए सारे पहलवान जंतर मंतर पे, तो कुछ दिनों के बाद ये बात हुई कि बबीता फोगाट जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर है। कुछ पहलवानों का तो ये भी कहना था कि अगर वो बतौर पहलवान आएंगी तो उनका स्वागत है। आप इसको कैसे देखती है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बतौर पहलवान क्योंकि ये तो कोई इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ एक खिलाड़ी के नाते हूँ और खिलाड़ी थी हूँ और हमेशा रहूंगी। ये न किसी के इनकार करने से मैं खिलाड़ी नहीं हो सकती और न किसी के और कुछ कहने से ये नहीं हो सकता कि मैं खिलाड़ी नहीं। सबसे पहले मैं खिलाड़ी हूँ, उसके पास जो भी हूँ मैं उसके बाद हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीजें आपसे समझना चाहता हूँ, और चूंकि आप खुद इतनी बड़ी पहलवान रही हैं, आपने देश का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं आप गीता ये पूरी फैमिली ने देश का नाम रोशन किया है सारे लोग, लेकिन अभी जहां पर ये प्रदर्शन खड़ा है, पहलवान कभी हरिद्वार चले जाते हैं, बोल देते हैं कि हम मेडल्स को विसर्जित कर देंगे, बतौर खिलाड़ी आपको ये जो कदम था, अगर ऐसा हो जाता, चलिए नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, आप इसे कैसे देखते? मैं इस चीज को ये देखती हूँ कि जिस किसी ने भी ये सलाह दी है वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के हित की न तो उन्होंने बात की और न उन्होंने खिलाड़ियों के हित का सोचा। ये कहीं ना कहीं वो लोग खिलाड़ियों के में न हित में ना होकर उनके विपक्ष में और उनको एक तरह से उनका यूज किया गया है। अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती। चाहे मैं मुझे उन खिलाड़ियों के पैर पकड़ने पड़ते, लेकिन मैं कभी नहीं होने देती। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके, काश अगर ये मोमेंट ऐसा हो जाता तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। अच्छा बबीता जी,
दो तीन चीजें मैं और समझना चाहूंगा, यहां से आगे क्या है रास्ता? पहलवान तो यही कह रहे हैं कि हम लगातार जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते हम लड़ते रहेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, भरोसा है, सरकार भी हमने देखा कि अभी दो दिन पहले अमित शाह जी के साथ बैठक हुई, हालांकि पहलवान तो ये कह रहे हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन कहां जाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत अंदर तक जुड़ी हुई रही हैं इस पूरे मामले से शुरू से, आपको किधर जाते हुए दिखता है और आप क्या मैसेज देंगी? देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से जांच चल रही है और पुलिस इतनी गहनता के साथ जांच कर रही है और पूरी भारत सरकार उसके ऊपर पैनी नजर रखे हुई है और बहुत बारीकी से उसके अंदर जांच चल रही है। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने पर्सनली देखी है कि किस तरीके से एक एक चीज को मतलब टटोला जा रहा है कि सच्चाई क्या है, और सबको इसके अंदर समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन कम से कम सच्चाई लाने के लिए, क्योंकि न्यायालय भी समय मांगता है, कोई भी चीज की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंदर आपको समय का इंतजार करना पड़ता है और सबको इंतजार करना पड़ेगा। किसी के भी साथ मैं इतना कहूंगी कि ना इंसाफी नहीं होगी और ना होनी भी नहीं चाहिए ना इंसाफी।